निंजा एच टू भाई सबका डैडी अब्बू एंड भाई ये लाइन देखो आप, ये लाइन देखो यार क्या ही दिखती है भाई, क्या ही बवाल चीजें। मेरा फेस भी दिख रहा है इसके अंदर तो। भाई देख रहे हो H2SX भाई फर्स्ट टाइम देखने मिल रही है, और इसका लुक आ गया थोड़ा ZX टनार जैसा, नहीं है टनार जैसा है भाई, क्या आ गया यहाँ देख रहे हो ओल्ड वाला ZX टनार लगा हुआ है, और क्या ही बवाल दिख रहा है, इसका लुक नेक्स्ट लेवल है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा ओल्ड वाला, एंड यहाँ पे भाई 1000 RR फिर यहाँ पे 1000 RR तो अभी टाइम हो रहा है 4:47 पर, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो बाहर निकलते फिर ही बात कर लेते हैं, टाइम की कमी अपने पास थोड़ी। तो भाई यहाँ पे आप मेरी डेविल देख रहे हो, क्या ही प्यारी दिख रही है भाई, बहुत प्यारी, मन तो कर रहा है यहीं चला लूँ लेकिन क्या करें, ट्रेन है। और यहाँ पे मैं कब से टाइम पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज धानु रोड का रास्ता 1 घंटे का है, तो मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे लेटने की भी कोशिश करी कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, पर सोने में भी एक टेंशन है कि भाई बार बार अपनी साइकिल का ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक उतर के चढ़ती है, तो मैं सो भी नहीं पाया पूरे रास्ते में ना भाई, ठंडी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं बस यही सोच रहा था कि बस कहीं आग मिल जाए तो मैं गर्मी ले लूँ। ऑलराइट, तो टाइम हो रहा है 5:53, जस्ट धानु पहुँच चुका हूँ, और ठंडी का मौसम है भाई, ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पे मेरे को दिख गई थी भाई एक चाचा है ना पूरी घास जला रहे, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना हम भी शेकोटी ले लेते, बस यहीं आ गया मजे लेने के लिए, थोड़ी गर्मी लेने के लिए, काफी अच्छा लग रहा है भाई यहाँ खड़े रहने के बाद, पूरी ठंड है ना भाई, भाग गई, मजा आ गया। अब भी ना भाई 6 बज रहे हैं सुबह के, मेरे सामने का व्यू देख लो भाई, कुछ ऐसा हो रखा है वहाँ पे, तो खैर लाइटिंग ज्यादा हो रखी है बिकॉज दिवाली है इसके लिए, पर यहाँ देख लो भाई पूरे रोड पे ना इसी तरह लाइटिंग है, और आगे जाने के बाद ना थोड़ी देर बाद तो ये लाइटिंग भी गायब हो जाएगी, तो बस इसके लिए मैं ना उजाला होने का वेट कर रहा हूँ। टाइम अभी हो रहा है 6:21, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे अपना एक पहला ब्रेक लिया है सीनरी पे, चाय का ब्रेक, चाय पी लेते फिर मैं। तो भाई अभी बीच रास्ते में मैं रुका हूँ, ये अपना रास्ता, यहाँ पे भी देख लो भाई क्या ही सही लग रहा है, तो यहाँ पे बस मेरे को एक जगह दिख गई, तो मैंने कहीं यहीं रुक लेते हैं, एंड यहाँ पे रुक के थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, बिकॉज चाय पी के अपने आधा घंटा हो चुका है, सुबह सुबह अपन कुछ नाश्ता करके नहीं आते, जो होता है यही होता है बाहर ही होता है, तो फिलहाल आज मैं एनर्जी के लिए अपने साथ केले लेके आया हूँ, खाएंगे एनर्जी लाएंगे फिर भगाएंगे, ऐसे व्यू के सामने बैठ के अपने डेविल के साथ नाश्ता करना भाई, क्या ही अलग लेवल का मज़ा है। नाश्ता वास्ता करके हो चुका है, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ी जान में जान आई है, तो बस अभी अपन निकलते हैं अपनी प्यार से डेविल को लेके, एंड डेविल भाई क्या ही बवाल है यार, अपनी जान स्टिकर लगाने के बाद तो ना डेविल में भाई 4 चांद लग गए, ऐसा शॉट हो गया है, बाकी सब प्यार एकदम बढ़िया है। क्या है ना ये सारे सोलो राइडिंग के नुकसान है, तुमको ना खुद ही अपने आप को शूट करना पड़ता है, और फिर से आगे इस तरह से कैमरा उठाना पड़ता है। मेरे को एक चीज़ दिखी, आप देखो भाई ये देखो, सांप तो बहुत दिखते रास्ते में, पर ये मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ भाई, ये कौन सा सांप है पता है आपको, रसल वाइपर है भाई, ये वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस स्नेक वेनमस स्नेक में सबसे ज़्यादा जहरीला सांप में इसकी नाम आता है भाई, बहुत गुस्सेल सांप होता है ये और बहुत ज़्यादा जहरीला होता है भाई। खैर मैं निकलता हूँ, ऐसे सांप तो दिखते रहते, पर रसल वाइपर मैंने सेकेंड टाइम देखा है, पूरा जंगल इलाका है ना,
तो यहाँ पे ऐसे जंगली जानवर सारे घूमते रहते हैं, ये तो भाई सबसे जहरीला है, इससे तो सबसे बच के रहो भाई। यहाँ पे अपनी पब्लिक भी आ चुकी है। ओ यस टर्की और कार्तिक आर्यन यस टर्की नहीं है वो, बस हम बोलते हैं अपने में चलता है ये सब प्यार है। आज प्रॉपर तुम लोग राइडर वाला लुक दे रहे हो, चल धक्का मारता हूँ तेरे को। अभी तक हमने काफी मेहनत कर ली, अब भाई हमारे भाई आ गए जो हमें ढकेलने वाले, आई मीन टोचन देने वाले। टच करा दो क्या? करा दे। ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है, मैंने तो कोई जैकेट वैकेट भी नहीं पहन रखा, बस राइडर भाई का टी शर्ट पहना हूँ, नीचे अपना चड्डा पहना हूँ भाई। राइडर भाई का टी शर्ट है ना वो बहुत काम का चीज है भाई, समझ लो गिफ्ट मिल गया है राइडर भाई से। भाई आ गए अपने, अब अपनी स्पीड चेक कर लो भाई। वैसे मेरा ज्यादा बड़ा सफर रहा नहीं है अभी हाईवे का, 2-3 किलोमीटर ही और रह गया था। भाई लोग आ गए अपने, तो 2-3 किलोमीटर को भी 2-3 मिनट में उड़ा देंगे। काश हमारे पास इसी तरह उपाय होती। पहुंच गया रे हाईवे छोड़ दे, हाईवे तक तो अपन ऐसे आ गए जैसे एकदम मक्खन दावाई है ना। हाँ चल, मेरे को एक राइड करने की है जो कि बहुत बड़ी राइड होने वाली है, बहुत पहले से सोच रहा हूँ। मैंने गर्मी में सोच रखी थी तो गर्मी में ना हो पाई, मैंने सोचा कि बारिश में करूंगा, बारिश में भी नहीं हो पाई, इस बार तो जरूर करके ही रहूंगा। मेरे को ना ये सारी राइड में मजा नहीं आ रहा है, ये बस मैं आज आ रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए बाकी राइड पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो यही एक राइड है जो मैं पॉसिबल कर पा रहा हूँ। जो राइड मैं करने की सोच रहा हूँ ना वो राइड बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक भी है और बहुत ज्यादा एडवेंचरस भी। उस राइड में मैं घर से निकलूंगा कम से कम 2-3 दिन के लिए और सोलो निकलूंगा। बाकी इसके अपडेट्स मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देते रहूंगा, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। उस राइड में मेरे प्लान है कि मैं जितने हो सके उतने अच्छे ब्लॉग आप लोगों को दूं। इस राइड में बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्या है ना मेरे को सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वन बाय अपने को ये राइड तो करने की है। फिलहाल मैं अभी NH 48 पे होटल अवरा मेरे यहाँ से थोड़ी सी दूर पे है। और राइट, तो अभी आप लोगों को याद होगा कि थोड़ी देर पहले ना मेरे कपड़े दूसरे कलर के थे, अब कपड़े चेंज हो गए, तो भाई कपड़े मैंने चेंज कर दिए ऊपर से लेके नीचे तक। मैं ना अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा लेके आता हूँ, बिकॉज रील वील बनानी पड़ती है, थोड़ा चांगला दिखना पड़ता है ना। हाईवे पे ना हवा अपोजिट आ रही है यार, काफी ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। अवरा आने के भाई बहुत ज्यादा रीजन है, यहाँ पे अपने ड्रीम्स है, उन बाइकर्स को देख के ना भाई अपने अंदर एक राइडर का अलग ही जोश आता है, अलग ही भाई सुकून मिलता है, इसके लिए अवरा आना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। भाई अवरा तो मैं पहुंच गया हूँ, लग तो रही है कि ज्यादा बाइक नहीं है ये, पर ये वाला सेक्शन पूरा फुल है। आ रखिये भाई, हो अरे भाई हाँ? क्या बोलते, बढ़िया बढ़िया, आज का लाइनअप भी भाई नेक्स्ट लेवल हो रखा है। फिलहाल तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ भाई, ये देख लो CVR वगैरह आ रखी है, फायर ब्रिगेड है भाई शायद, एंड काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है, सारे रिएक्शन मेरे को ही मिल रहे हैं, बिकॉज ऐसा कोई आता नहीं ना यहाँ पे, साइकिल में तो कोई नहीं आएगा। निंजा काफ़ी लगी रखी है अपने डेविल की जगह। ओह भाई ये देख लो, हाँ H2SX, अरे ये तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम देख रखी है, इसके पहले मैंने कभी H2SX नहीं देखा। मैंने भी भाई देख लो H2SX भाई, फर्स्ट टाइम देखने मिल रही है, और इसका लुक आ गया थोड़ा ZX Tenar जैसा, नहीं है Tenar जैसा है भाई। भाई क्या आ गया भाई, ये देख रहे हो क्या नेक्स्ट लेवल दिख रही है, बहुत कड़क दिख रही है H2SX, फर्स्ट टाइम देखिए, काफ़ी यूज गाड़ी दिख रही है, आगे से बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत बड़ा चौड़ा काफ़ी सही खतरनाक। ये भी देख लो भाई फ्रंट लुक देख लो कैसा दिखता है इसका, ZX 14R भाई क्या लुक है यार इसका, बहुत यूज दिख रहा है ये भी, बहुत खतरनाक। सामने से तो भाई समझ में आ जाता है निंजा है, पर इसका यूज मॉडल देख के ना ऐसा लग रहा है कि भूसा खड़ी हुई है। और दीक्षांत भाई Yeah.
यहाँ देख रहे हो ओल्ड वाला ZX10R लगा हुआ है और क्या ही बवाल दिख रहा है, इसका लुक नेक्स्ट लेवल है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा ओल्ड वाला एंड यहाँ पे भाई 1000 RR, फिर यहाँ पे 1000 RR, और आज भाई 10R की कोई कमी नहीं है। जहाँ देखोगे ना हरी हरी दुनिया दिख रही है, अपनी हरी दुनिया ही हरी दुनिया बहुत ज़्यादा। एंड ये सब ठीक है, ये लाइन देख लो पूरी ग्रीन ग्रीन है, ये देख लो, यहाँ देख लो भाई, यहाँ से चालू करो जहाँ तक दूर दूर तक नज़र जा रही है, यहाँ देखो भाई 10R ही 10R, वहाँ पे भी है एकदम आगे भी है, यहाँ पे दो दो 10R भाई नेक्स्ट लेवल है भाई। हाँ देख लो H2 Ninja भाई सबका डैडी अब्बू। एंड भाई ये लाइन देखो, अब ये लाइन देखो, यहाँ पे लाइन देखो नेक्स्ट लेवल, क्या दिखती है यार, क्या ही दिखती है भाई, क्या ही बवाल चीज़ें। मेरा फेस भी दिख रहा है इसके अंदर, तो बहुत सही दिख रहा है। तो फिलहाल अभी 1:35 हो रहे हैं एंड अभी मैं घर पे आया, जस्ट फ्रेश हुआ भाई, यहाँ पे अपने डेविल लगी है गली में। अभी बाजू वाले रूम में तो रख नहीं सकता जस्ट बिकॉज ये घर कलर हो रहा है भाई, अपना नया घर, तो इसका काम चालू है। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं, तो अभी बस खाना पीना खाऊँगा, फिर भाई सो जाऊँगा, शाम को उठूँगा, एडिटिंग वगैरह करूँगा, वही सब चलेगा। बाकी आई होप आप लोग को आज का जो व्लॉग है इतने फ्लाई बाय इतने सारी सुपर बाइक से सारी पसंद आई रहेगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना एंड जितना हो सकता है उतना वीडियो शेयर करो। बाकी बनता है बस यही था आज के इस व्लॉग में। Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher.